मुरादाबाद से हमारी दुकान आती है, रहने वाले हम लोग लखनऊ के हैं। क्रॉकरी है, स्टील है, पीतल है। ये मेरे वालिद साहब और बड़े भाई साहब आते थे, तो बड़े भाई की डेड हो गई है, वालिद साहब थोड़े हमारे ज़हीफ हो गए। 35 साल से मेरी दुकान आ रही है यहाँ पर। कितने लोग आते हैं आप लोग के साथ? करीब हम लोग 18 लोग आते हैं, 17 लोग। ये पीतल का है धातु, ये आइटम 100 पीस है, इस्तेमालू आइटम है। प्लस उधर डिनर सेट है, क्रॉकरी का है, प्लास्टिक का है, हार्ट मतलब जो है सब रसोई आइटम है। ये दहेज का है, लेडीज आइटम है, इधर स्टील का आइटम है। ये कोई दिक्कत नहीं है, 35 साल से आ रहे हैं। बल्कि यहाँ अंदर हम लोग के साथ में बहुत सहयोग होता है। आला महाराज जी भी एक बार हमारी दुकान पर आज से करीब 25 साल पहले आ चुके हैं, और बड़ा उन्हीं ने मान सम्मान भी किया था जब हमारा दूसरा मतलब 30 साल पहले थे, जब संसद में भी नहीं थे महाराज जी, और बड़े महान थे वो भी। हम लोग की बड़ी मानवता, हमारे वालिद साहब की बहुत मानवता से बातचीत होती थी। हम लोग अंदर जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है और ना हमारे साथ में कोई दिक्कत है। यहाँ दुकानें कम से कम 50% जो है दोनों मिक्स लगाते थे यहाँ पर, मतलब दोनों सामुदाय के 50% की दुकानें यहाँ पे लगती थी। खिचड़ी गोरखनाथ में खिचड़ी पर्व पे मेला लगता है जो हर वर्ष लगता है, और भारत स्टेट के हर कोने से यहाँ दुकानें आती हैं और हर तरीके की दुकानें आती हैं। लकड़ी की सुंदर दुकानें आती हैं, लकड़ी की खूबसूरत कारीगरी होती है, और कालीन कारपेट बहुत तरह की दुकानें आती हैं, और बहुत खूबसूरत मेला होता है। हर मजहब हर धर्म के लोग इस मेले में अपनी दुकान भी लगाते हैं, खरीदारी भी करने आते हैं, कोई रोक रुकावट नहीं होता। योगी जी का जो ये मंदिर का त्यौहार है हमारे गोरखनाथ मंदिर में, योगी जी का सबके लिए सहयोग होता है, और गोरखपुर के हर कोने कोने से, गोरखपुर जिले के हर कोने कोने से लोग यहाँ मेले पर्व का आनंद लेने आते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो सब लोग इस मेले का आनंद उठाने ज़रूर आएँ। हम लोग वेट करते हैं, हर वर्ष वेट करते हैं। हमारा तो बचपन क्या जन्म से हम इस मेले को देखते आए हैं, और बहुत खूबसूरत और बहुत मतलब एक हमारे धर्म से रिलेटेड ये पर्व होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन होता है, पूरे 15-20 दिन का ये पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो पूरे 15-20 दिन तक ये मेला चलता है। सभी हर मजहब के लोग दुकान भी लगाते हैं, व्यापार का एक अच्छा यहाँ पे उन लोगों को मौका मिलता है, अवसर मिलता है व्यापार के लिए। इसलिए भारत जिले के हर कोने कोने से, पर्टिकुलर कोई एक स्टेट नहीं है, पर्टिकुलर कोई एक सिटी नहीं है, भारत देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे दुकान लगाने आते हैं, और हर मजहब के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपनी दुकानें लगाते हैं। मेला घूमने भी सभी लोग आते हैं, और मार्केटिंग भी यहाँ सभी मजहब के लोग करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे आसपास भी आपको हर मजहब के लोग दिख रहे होंगे। इधर भी देखिए हमारी मुस्लिम बहनें भी हैं, तो यहाँ कोई रोक टोक किसी धर्म के लिए नहीं है। 30 साल से लगा रहे हैं हम, हैंडीक्राफ्ट की दुकान है हमारी लकड़ी की, सहारनपुर की, सहारनपुर से आते हैं हम लोग। हिंदू मुस्लिम सभी लगाते हैं यहाँ पे, सभी आते हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, अंदाजा तो नहीं है, बता रहे हैं फिर भी बड़ी संख्या में। हाँ, हमारी साथ में बहुत लोग आए, लेकिन हम अब लास्ट में हम ही आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? दिक्कत यहाँ घर से ज्यादा आराम है भैया, और वाकई है आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वाकई आराम है घर से ज्यादा। पिताजी के पिताजी रहते थे, फिर मेरे पिताजी थे, आवाज हम भी है, मंदिर के अंदर अस्थाई हम रहते हैं, और यही गोरखपुर लोकल का रहने वाला हूँ। तकरीबन तीसरी पीढ़ी हमारी है, और यहाँ पे जो भी मामला है सब बेहतर है, सब अच्छा है। यहाँ तकरीबन 80% मुस्लिम वर्ग के लोग आते हैं, कानपुर, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और बिहार संग कई एक राज्य से लोग आते हैं यहाँ, अपनी अपनी छोटी बड़ी अपनी दुकानों को लगाते हैं, एक महीने से सवा महीना यहाँ रहते हैं, और उसके बाद उन लोगों को यहाँ से भेज दिया जाता है। यहाँ किसी प्रकार की ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानियाँ हैं, ना कोई भेदभाव है। अगर इत्तफाक खुदा ना खास्ता कोई दिक्कतें आती है, तो योगी आदित्यनाथ जी इन सभी दुकानदारों को अपने घर की तरीके से, अपने घर के बच्चों की तरीके से उनकी देखरेख करते हैं, उनकी पूछ जांच करते हैं। इत्तफाक अगर किसी दुकानदार की तबीयत खराब होती है, गोरखनाथ चिकित्सालय श्री अवैधनाथ जी के नाम से बना हुआ है, मंदिर ही के पास में है, मुफ्त इलाज होता है यहाँ पे उन दुकानदारों का और श्रद्धालुओं का। यहाँ पे आपको एक व्यवस्था बहुत अच्छी मिलेगी कि यहाँ यात्री निवास, यात्रियों के रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था है। अगर दूर से पर्यटक आते हैं स्थल यहाँ घूमने के लिए, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, फ्री इलाज यहाँ मिलती है, कंबल मिलते हैं जाड़े में, और लगभग लगभग सब कुछ यहाँ अच्छा है।
हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी बड़ी संख्या में दुकानें लगा। तकरीबन 80% मुस्लिम लोग हैं यहाँ पे, 20% ही हिंदू होंगे, और ये छोटे छोटे जो व्यापार हैं मुस्लिम ही तो चला रहे हैं, हिंदू कहाँ चला रहे हैं ये बताइए आप। जो भी लोग हैं मुस्लिम ही हैं, और उन्हीं से मेला लगता है, वो हैं तो मेला है, वो नहीं है तो मेला खत्म।